शीला बाद आ जाओ, दफा हो जाओ। इतने अच्छे से सारा खराब कर दिया। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज सारा। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरा ख्याल है घर को तो तुम रोज देखते हो, आज तो मुझे भी देख लो। तुम्हें भी तो अब तकरीबन 5 दिन देखता ही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मेरा प्लान तो था कि मैं 2-3 दिन बाद आऊँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी वजह से आना पड़ा। बस जी, आपकी यही बातें तो हमें खींच लेती हैं। अच्छा तो मुझे पता चला है कि घर में सन्या और तुम मामू बनने वाले हो। सुबह हो गई मामू। मैं क्या बनूंगी? एक्सपेक्टेड मामी। और बताओ? कुछ नहीं, बस जी रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। तुमने मुझे मिस किया? फोन भी किया था, मैसेजेस भी किए, लगता है तुमने अपना मोबाइल नहीं देखा। हाँ यार, तो सेंटी एसएमएस किए थे तुम्हें। पता है मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि तुम्हें मैं मिस करूं। Alright. वो तो मैं हूँ, वो तो मैं बचपन से हूँ। मिस तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुलाया जा सकता हो, है ना? जी नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें भुला नहीं सकते तो तुम गलत सोच रहे हो। अच्छा चलो छोड़ो ना, अभी कैसी बातें कर रहे हैं। बकरा कब था? भोंगिया मत मारो, कोई काम की बात करो। भोंगिया मारने के पैसे मिलते हैं। अच्छा आज तुम क्या करने वाले हो? डिंगा चिका करने वाला हूँ। सही बताओ ना। लेट्स सी, इवेंट है घर में तो हल्ला गुल्ला करेंगे, मस्तियाँ करेंगे। अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छी बात है। मैं सोच रही थी कि आज हम इस फंक्शन के बाद कहीं बाहर चलें। हार्डी चलें? नहीं यार, कहाँ जाओगी? हमेशा तुम वहीं जाते हो, कोई नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए। ओके, कैफे ज़ूक? मुझे लगता है फजर के साथ वहीं जाते थे। फजर ने तुम्हारे टेस्ट खराब कर दिया। चलो तुम अपने टेस्ट की बात कर लो। किसी अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पहले ना गए। नमी सकुश्त नराज माला खूब ना बेताना।